चलिए इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो, हाँ हेलो, मेरा क्या नाम है आपका? नाम है जाहिदा जाना। जी सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाले सलाम। कल मेरी बात हुई थी शाम में, तो मैंने सिर्फ अपने हाथों के बारे में, वो पैर के बारे में, झुंझुना के बारे में बताया था, जबकि मुझे चर्बी की गांठें हैं हाथों में, यूरिक एसिड बनता है, गैस की प्रॉब्लम है, कब्ज है, कोलेस्ट्रॉल मेरा 4 महीने पहले था 216, तो उसकी मैंने 3 महीने दवा ली, फिर उसके बाद मैंने चेक नहीं करा कि कितना है, और वेट मेरा हो गया था 80 kg, अब है 70 kg, मैंने लूज कर लिया है, जी और मेरी ये प्रॉब्लम है। और दूसरा सवाल है, मेरी बेटी का, वो 8 साल की है, वो खाना नहीं खाती, अगर जबरदस्ती करो तो उकाई आने लगती, उल्टियां होने लगती उसको। मेरी कल हकीम साहब से बात हुई थी, मोहम्मद इरशाद अली मेरे हस्बैंड थे और मैं जाहिदा बानो, और रात में बात हुई थी मेरी सेवन ठीक है एट। जी। बच्ची को तो जो भी खाती है अगर खाना, तो उसके खाने में अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अदरक का इस्तेमाल खूब करें तो बड़ा फ़ायदा होगा, उसे भूख लगेगी। और एक माजून अगर बना सकते हैं तो उसको बना के दे दीजिए अपने हाथ से। देखिए, सौंठ 100 ग्राम लें। सौंठ तो आप जानते हैं, अदरक का सूखा हुआ रूप सौंठ होती है। सौंठ 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम, और अलसी 100 ग्राम, और सफ़ेद गौंद मोरिंगा 100 ग्राम। इन सब का पाउडर बना दें, और पाउडर नहीं खा पाए तो ये जितना वज़न का सब कुछ हो उससे 2 गुने वज़न शहद इसमें मिला दीजिए। अगर ये 400 ग्राम है तो 800 ग्राम शहद मिला के ऐसे मिक्स करके रख दीजिए, और 4 दिन बाद इसे इस्तेमाल करना शुरू करें। तो ये शहद को पी लेता है, फिर आधा चम्मच से 1 चम्मच तक दिन में 1 बार या 2 बार इन्हें खिलाया करें तो इनकी भूख खुल जाएगी। और जो अजाए रईसा जिन्हें कहते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे जिस्म के वो खास खास पुर्जे ठीक हो जाएंगे, जिन जिनको ठीक होना ज़रूरी है। और इनका क्या सवाल था? इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है अच्छा, जी। कोलेस्ट्रॉल, हाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ा हुआ, लेकिन बढ़ा हुआ है, चेक कराना चाहिए था। कोलेस्ट्रॉल अगर कम करना हो किसी को, और ये चाहिए कि डायबिटीज़ भी ना बढ़े, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहे, दिल भी अच्छा रहे और पेट भी अच्छा रहे, एसिडिटी भी ना हो, कब्ज़ भी टूट जाए और लीवर भी अच्छा रहे, तो उसके लिए जैतून का सिरका आप 3-3 चम्मच 2 बार खाने के बाद, छोटे चाय के चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं, पानी में मिलाकर लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।